सबके लिए लड़की वहाँ पे देखोगे जगह मामू के लिए भी लड़की वहीं देखने जा रहे हैं, जैकी भाई के लिए भी वहीं देखने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह हो रही है और ये संडे मॉर्निंग है। सुबह से सोचा कि चलो भाई, अब गेस्ट हमारे घर में आए हैं तो उनको मुरैना का जो है नाश्ता करवाते हैं, जो कि मुरैना का नाश्ता बहुत ज़्यादा फेमस भी है हमारे यहाँ का। सुबह से ताज़ी ताज़ी जो सुबह है तो ताज़े ताज़े नाश्ते के साथ में शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं से ही शुरू हो रहा है। सो बस यहाँ पे आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो उसी के लिए हम लोग जो है ना पहले फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं निकलेंगे। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग सुबह ही निकलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि घर में जब ज़्यादा सदस्य होते हैं ना तो फिर ना निकलना इम्पॉसिबल से होता था टाइम के हिसाब से। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलो 9-10 बजे के समथिंग निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते 1 बज गया था। और बस हम लोग फिर जहाँ पे हम लोग को जाना था, और मैं आप लोगों को जो है आगे बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो बस यहाँ पर अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं। मेरा प्लान यही था कि मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि हरियाणा भी छोटी है, वो थोड़ा सा परेशान भी करती है, तो इसी वजह से जो है मेरा मन नहीं था जाने का। लेकिन फिर खाला वगैरह बोले ना कि नहीं, हम लोग अब इतने टाइम के बाद आए हैं तो तुम चलो चलो साथ में। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, फिर चल रहे हैं। और फिर मम्मी ने भी बोल दिया कि हाँ चले जा। तो बस यहाँ पे अभी मैं भी रेडी हो रही हूँ दूसरे वाले रूम में, और मेरी जो खाला वगैरह है ना वो सब लोग रेडी हो चुकी हैं, तो वो हुरैन के साथ में पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही है। अभी जो है फ़िलहाल मैंने हुरैन को रेडी नहीं किया है, बस उसकी मालिश वालिश कर दी थी, तो उसको सिंपल वाले जो कपड़े खाला लेकर के आई थी ना डेली वेयर वाली फ़्रॉक, तो बस मैंने आज वही पहना दी थी उनको। थे। एक बात है, आंगनवाड़ी के आ गया है तो बच्चे से जाके बाद बच्चे पे आ बच्चे उसका फिर वो अपनी मम्मी के पास भी नहीं जाएगा। और क्या, देखो रो रही थी उनके पास सो गई आराम से। और यहाँ पे जो है हम लोगों का हंसी मजाक चल रहा है क्योंकि मेरी जो ढिमसा खाला है ना वो बच्चों को बहुत अच्छे से मदद करते हैं, बहुत ही अच्छे से, इसलिए मामू ने उनका नाम आंगनवाड़ी रखा हुआ है, इसलिए हम लोग मजाक कर रहे थे। और इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोगों की ड्रेस भी सेम थी सभी की। सो गाइज, आप लोगों ने सबका फाइनल लुक तो देख ही लिया कि सब लोगों ने क्या क्या पहना हुआ है, और बस मैं भी रेडी हो गई। मैंने ये सिंपल सी कुर्ती डाली है जो मैंने ईद के टाइम पे वेयर की थी, और हमारी हुरैन भी रेडी हो गई हैं। हमारी हूरू ने अपने जो है कपड़े चेंज कर लिया, हमारी हूर ने, और बस मैंने इसको ये वाला रोमपर्स पहना दिया है, और एक मैं रख ले जाऊंगी, पता नहीं बच्चों को सही होता है। सुबह से अभी सब लोग रेडी हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का, और मम्मी जो है खाना वाना पैक कर रही है। हम लोग ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे नहीं खा रहे हैं, घर पे नहीं खाएंगे, हम लोग वहीं पे जाके खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो कहाँ पे जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता। तो आप लोग देख रहे हो ना कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैं, मामू और मामानी एक कलर में हो गए हैं, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का थोड़ा सा चल रहा है, 19-20 फर्क है। और मेरी जो खालाएँ हैं वो भी ऐसे कॉम्बिनेशन में ही हुए थे, एक एक दो दो लोग, तो ऐसा लग रहा था कि चलो अब साथ में एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और बस यहाँ पे अभी हम लोग निकल रहे हैं, और ये है मेरी नाजमीन खाला जो दिल्ली शादी हुई है उनकी, और ये भी आ गई थी। वैसे ये नानी के यहाँ थी लेकिन फिर हम लोगों ने इनको भी बुला लिया था कि खाला मुझसे तो मिल जाओ, क्योंकि खाला पहले आई थी ना तो फिर यहाँ पर ही रुकी थी, लेकिन फिर वो नानी के पास चली गई थी। जो है बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मुफीद मामू की शादी हो गई है क्या, मुफीद मामू की शादी हो गई है, तो जी नहीं, मुफीद मामू की शादी नहीं हुई है। ये जो मेरी मामानी है ये शेरू मामू की वाइफ है, मतलब कि मेरे मम्मू के मामू, मतलब कि मेरे मम्मी के मामू के बेटे की वाइफ है, ठीक है। तो मुफीद मामू की अभी शादी नहीं हुई है,
उनके लिए भी देख रहे हैं रिश्ते वगैरह। चेंज चेंज हो गया है, मोहानी चले गई हैं उस वाली कार में, जैकी भाई आ गए हैं इधर हमारे साथ। तो बस अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल होकर के जा रहे हैं। ये सबके लिए लड़की आप ही देखो, जगह मामू के लिए भी लड़की वहीं देखने जा रहे हैं, जैकी भाई के लिए भी वहीं देखने जा रहे हैं। मामू वैसे भी बोल रहे हैं हाँ मैं वहीं देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लोगों का हंसी मजाक चल रहा था कि हम लड़की देखने जा रहे हैं धौलपुर, और जैकी भाई के लिए देखनी है, मामू के लिए देखनी है, तो यहाँ पे ही सबका मजाक चल रहा था। तो ये हम लोग आए थे धौलपुर, और इनको जो है पहाड़ वाली बली भी बोलते हैं। तो बस हम लोग अभी जो है अंदर जा रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि बिल्कुल भी मतलब बाहर रुकने का मन ही नहीं कर रहा था कि अंदर चलो बस थोड़ी सी ठंडक से मिल जाए। तो बस अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आकर के बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बस यहाँ पे हुरैन अभी मोमानी की गोद में है, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं अपने अपने। और अभी आप लोग जो है आगे देखिएगा, और इस वीडियो के साथ में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। वो कहाँ पे रह गए? कौन सी रस्म हो रही है? तो यहाँ के जो सारे जेंट्स लोग थे वो दरगाह पर हो आए हैं, और हम लोग नहीं जाते, मतलब लेडीज नहीं जाती हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। और बस यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, और हंसी मजाक भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखो मामू किस तरीके से मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मामू ने बहुत बहुत ज़्यादा मज़े किए, और हम सब मिलने में बहुत ज़्यादा मज़े किए। और बस यहाँ पे अभी खाना चल रहा है, क्योंकि खाना हम लोग जो है घर से ही लेकर के आए थे। वैसे मम्मी बोल रही थी लेट तो तुम लोग हो ही गए हो, 1:30 का टाइम हो रहा है, तो तुम लोग जो है घर से ही खाना खाकर चले जाओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा नहीं मम्मी वहाँ पर ही मज़ा आएगा, वहाँ पर ही खाएँगे। तो फिर मम्मी ने जो है वहाँ पर पैक कर दिया था। तो जी हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों को आना था, वो मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, सो अब मैं बता देती हूँ। तो हम लोग आए हैं धौलपुर, पहाड़ वाले बली हैं यहाँ पे, तो वो दरगाह है। तो हम लोग जो है आए हैं यहाँ पे, और बाकी सब लोग भी आप लोगों ने देख ही लिया कि कौन कौन आया है। और यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे हमारी दोनों बैठे हैं, और इनको जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुला दिया था, और मैं बहुत देर से बैठी हुई थी यहाँ पे, और अभी हुरैन फिर से जाग गई, तो वो अपने मामू के पास में है। बाकी सब लोग यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे आकर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून भी मिलता है। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में जाने भी वाले हैं अपने घर, अभी फ़िलहाल हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस अभी हमारा जो है निकलने का टाइम हो रहा है, सब लोग की प्लानिंग चल रही है पीछे ये, और बस अभी हम लोग निकलने वाले अपने घर के लिए, क्योंकि मामू को जो है अभी ही निकलना है डबरा के लिए, तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें अभी जाना है रात में ही, तो इसी वजह से जो है वो लोग जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से, और बस अभी हम लोग भी निकलने वाले हैं। तो फिर चलो, और बाकी सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, आप लोग भी आ सकते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं ये सामने वाली दरगाह पर, यहाँ पर हमने सुना है कि सिक्का चुपका करके अपनी विश पूरी की जाती है, तो बस हम लोग भी वहीं पे ही जा रहे हैं देखने के लिए।
तो ये सब लोग भी आ रहे हैं पीछे। एक मजार ये बनी है। अंदर जाते क्या? अंदर जाते वहाँ पे देखना है ना। चलो देखते हैं, आज तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना, हम लोग भी सोच रहे थे कि चलो यहाँ पे सिक्का जो है ना चिपकाया जाता है और मुराद मांगी जाती है, तो हम भी देखते हैं हमारा सिक्का चिपकता है या नहीं। अगर जिसका भी सिक्का जो है चिपक जाता है ना तो उसकी मुराद जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन बस यहाँ पे किसी का भी सिक्का जो है ना चिपक नहीं रहा था। फिर मामू ने जो है लास्ट में क्या किया वो अभी आप लोग आगे देखिएगा। तो सिक्का तो किसी का भी नहीं चिपका, लेकिन मामू ने एक ट्रिक ऐसी की जिसे देख करके हम लोग सब लोग हंसने लगे कि वहाँ पे जो मोमबत्ती रखी हुई थी ना उसको पीछे लगा दिया सिक्के के पीछे और वहाँ पे लास्ट में चिपका दिया। और वैसे अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग भी मानते हैं क्या? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस अभी हम लोग घर जाने का टाइम हो रहा है तो हम लोग निकल आए हैं। लेकिन फिर रास्ते में ही जो है ना यहाँ पे एक और घूमने की जगह पड़ती है, और तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना मोमानी वगैरह को सबको ले आए थे। क्योंकि जहाँ दरगाह पर हम लोग गए थे ना पहाड़ वाले बली पर, उसके 2 किलोमीटर ही दूर यहाँ पर अचकुंड पड़ता है। ये भी बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो लोग भी जाते हैं ना तो यहाँ पे जो है ना जिसके भी दांत खाज खुजली वगैरह जो भी होती है ना तो वो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है ना कुंड में उसमें जो है अपने हाथ पैर धो लेते हैं तो उनके ठीक हो जाते हैं, इस तरीके से बोला जाता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हुरैन है खाला की गोद में और हम लोग बस अभी अंदर जाते जा रहे हैं। और व्यू इतना ज़्यादा प्यारा आ रहा था ना, क्योंकि शाम का वक्त था, सनसेट हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस जगह पे अच्छे फोटो आते हैं इधर। तो यहाँ पे जो है मामू अपने पैर थोड़ा सा पानी में डाल रहे हैं, और बस ये देखो पीछे का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बॉबी, छोटा बॉबी जो है ना मेरा कज़न ब्रदर है, वो भी बता रहा था कि हाँ यहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो बस यहाँ पे जिन जिन को भी कुछ भी तकलीफ़ हो रही हो तो वो इस पानी में जो है हाथ पैर धो ले तो उनकी ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे सब लोग बैठ करके, और कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना घर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना अपना ब्लॉग का एंड करने जा रही थी, लेकिन ना यहाँ पे हो नहीं पाया सब लोगों की वजह से। आगे आप लोग देखना, ये व्यू इतना ज़्यादा प्यारा आ रहा था ना यहाँ पे, पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने जब क्लिक किए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी हम लोग घूम करके आ गए हैं, और बस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, अच्छा लगा। और फिर हम लोग वैसे तो दरगाह के लिए ही आए थे, लेकिन फिर सोचा कि चलो मचकुंड थोड़ा सा पास में ही तो वहीं पे चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस अभी जा रहे हैं घर के लिए।